सांदीपनी आश्रम। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 11 वर्ष 7 दिन की उम्र में 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। मामा कंस का वध करने के बाद बाबा महाकालेश्वर की नगरी अवंतिका में आने के बाद वे 64 दिनों तक यहाँ रुके थे। इन 64 दिनों में ही उन्होंने यह शिक्षा प्राप्त की थी। तो आइए जानते हैं आश्रम के बारे में वो सब कुछ जो आपको नहीं पता होगा। 5266 वर्ष पुराना है आश्रम। दोस्तों, महर्षि सांदीपनि आश्रम के मुख्य पुजारी पंडित रूपम व्यास के अनुसार यह आश्रम 5266 वर्ष प्राचीन है। पूर्व द्वार युग में इसकी शुरुआत हुई थी। आश्रम में गुरु सांदीपनि की प्रतिमा के समक्ष चरण पादुकाओं के दर्शन होते हैं। वहीं से भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। हाथों में है स्लेट व कलम। दोस्तों, अन्य मंदिर की अपेक्षा आश्रम में भगवान श्री कृष्ण की बैठी हुई प्रतिमा विराजमान है। जहाँ भगवान कृष्ण बाल रूप में है, वह एक विद्यार्थी की मुद्रा में हाथों में स्लेट व कलम लिए हुए हैं। मंत्र के साथ हुआ था वीराभंभ। दोस्तों, महर्षि सांदीपनि वंशज के मुख्य पंडित पुजारी रूपम व्यास के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की स्लेट पर लिखे हुए 3 मंत्रों के साथ ही उनके विद्या संस्कार का आरंभ हुआ था। हरि से हर का हुआ मिलन। दोस्तों, हरि यानी कृष्ण और हर यानी भोलेनाथ। भगवान श्री कृष्ण जब सांदीपनि आश्रम में विद्या प्राप्त करने के लिए पधारे, तब भगवान शिव से उनकी भेंट हुई थी। भगवान उनकी बाल लीलाओं के दर्शन करने इस आश्रम में आए थे। इसी दुर्लभ क्षण को हरिहर मिलन के रूप में जाना जाता है। प्राचीन सर्वेश्वर महादेव। दोस्तों, गुरु सांदीपनि ने अपनी कठिन तपस्या से बेलपत्र माध्यम से शिवलिंग प्रकट किया था। इन्हें ही सर्वेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। गोमती कुंड के समीप ही इस मंदिर में भगवान शिव की दुर्लभ प्रतिमा है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों का पढ़ाई में मन लगा रहे, इसलिए उन्हें पाती लिखकर दी जाती है। ऐसी मान्यता है कि बड़े होकर साक्षात्कार के लिए जाने पर यह पाती साथ में रखने में सफलता अवश्य मिलती है। कुंडलेश्वर महादेव में नंदी भी है खड़े रूप में। दोस्तों, इस आश्रम भगवान शिव जी का एक मंदिर भी है, जिसे कुंडलेश्वर महादेव कहा जाता है। जब भगवान शिव प्रभु श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का दर्शन करने यहाँ पधारे थे, तो इन दोनों गुरु और गोविंद के समान में नंदी महाराज खड़े हो गए थे। इसी कारण यहाँ भक्तों को नंदी जी की खड़ी प्रतिमा के दर्शन होते हैं। इसलिए नाम पड़ा अंकपात। दोस्तों, स्लेट पर लिखे हुए अंकों को मिटाने के लिए भगवान कृष्ण जिस गोमती कुंड में जाते थे, वह कुंड आज भी स्थापित है। अंकों को धोने के कारण ही आश्रम के सामने वाले मार्ग को अंकपात के नाम से जाना जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।